मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वोटिंग की बात करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम जो बीजेपी के लिए आज वोट मांग रहे हैं, हमने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे, हम वोट के लिए नहीं निकले, और इसका मतलब गरीब गरीब गरीबों की परसेंटेज, गरीबों की परसेंटेज, गरीबों की परसेंटेज, मैं बोल रहा हूँ अरे गरीबों की परसेंटेज। सुनिए भीम, ऐसा है हमारे बड़े भाई साहब जो कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ियों की वोट है, जो भी झुग्गी झोपड़ियों की वोट है और जो भी वोट है, वो हरदम ही जा करके उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको ये बताया जाता है कि कांग्रेस ने ये डेवलप किया, कांग्रेस को जाकर के मिल जाती है। हमारे को ये जो हमारे जो इस समय गुजरात जो पनप रहा है, लोग गुजरात से ही दुखी हो गए हैं, पूरा इंडिया नहीं, पूरा इंटरनेशनल मार्केट ये कह रहा है कि गुजरात की तरक्की मत दिखाओ। अरे ये आपको कह रहे थे कि इसका मतलब आप मानेंगे कि अगर वोटिंग परसेंटेज 80% नहीं हुआ, मैं इस चीज को कमजोरी नहीं 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 लोगों को नहीं 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 हमने इन्फॉर्म किया आज। पहले आप ये मानो कि पहले RWAs नहीं थी, पहले सोशल सोसाइटियां कम होती थी, आज की डेट में दिल्ली में 4000 RWA है। अगर 4000 RWA अपने अपने घरों में जाकर के यही कहते हैं बस कि आप वोटिंग करने जाओ, मैं ये नहीं कह रहा RWA के तरीके से कि आप इसको वोट दो, लेकिन आप वोटिंग करने जाओ तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि मजबूत सरकार आएगी और मजबूत सरकार आकर के हमारा जो विश्व में नाम है, एक भारत का नाम होगा और जाकर के हम ये कह सकेंगे कि हाँ ये मैं ये कहना चाहता हूँ RWA देन किसकी है, शीला दीक्षित की, और ये इस बात को मानते क्यों नहीं, और ये इस बात को मानते क्यों नहीं है एक मिनट के लिए, और अगर ये कहते हैं, अगर ये कहते हैं कि गरीबों ने, अगर RWA शीला दीक्षित की देन नहीं है, RWA नगर निगम, अगर गरीबों ने RWA कभी भी पार्टी को, अगर गरीबों ने कांग्रेस को वोट दिया है, इसका मतलब कांग्रेस गरीबों की है। ये बात माननी पड़ेगी भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा ये हमारे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बता रहे हैं कि शीला दीक्षित जी ने ये किया, शीला दीक्षित ने वो किया। मैं समझता हूँ इस दिल्ली का और इस देश से बेड़ा गर्क करने वाली सिर्फ एक शीला दीक्षित थी, मैं उसके अलावा किसी, देखो कांग्रेस थी या कोई था, मगर जब से शीला दीक्षित इस सीट पे बैठी है, शीला दीक्षित ने इस दिल्ली को खा गई, जमुना जी का पैसा खा गई, मोदी जी ने अभी एक आदमी भाई आया था गुजरात से, अभी सुबह सुबह की बात में शेप बनवाने गया था, वो कहता गुजरात में भाई साहब 2 महीने सर्विस करके आऊं, मैं कह रहा 2 महीने के अंदर आपने सेविंग की क्या? नहीं, मैंने तो भाई साहब मसाज करा के आया था मैं मसाज करा के आया था, तो मैं उनने मुझे ये बताया भाई साहब कि वहां पे ना 2 बजे भी लड़की ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ कहने, मैंने कहा गुजरात तो छोटा सा शहर है, वो हमने, मैं कभी गुजरात नहीं गया, मगर वो बताने लगा कि गुजरात तो बनी, हमारी दिल्ली बहुत छोटी सी जगह है, तो गुजरात बहुत बड़ा शहर है, तो कह रहा आप वहां जाके एक बार गुजरात में देखेंगे तो मोदी जी के वो भगवान मानते हैं वहां लोग। मैंने कहा यार वहाँ पे थोड़ा भगवान को यहाँ लाना चाहते हैं, भगवान को नहीं लाना चाहते, भगवान को नहीं समझ समझिए, भगवान तो बोलिए। मैं भी अभी 2 महीने पहले अहमदाबाद गया था और वहाँ की दुनिया, तो मतलब वहाँ रहने वाले जनता, गांधीनगर भी वहाँ भी, तो वहाँ इतने खुश के जिसकी हद कोई नहीं। हम तो आप पूरी तरह चाहेंगे कि मोदी हर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। अब ये कह रहे हैं सर, एक सर आपके आपके माध्यम से ये जो पब्लिक बैठी हुई है ना, अति उत्साहित है और दोनों पार्टियों से द्वारा जो है फाइनेंस्ड है। मैं हूँ जनता, ये है उन पार्टियों के नुमाइंदे, और जनता चाह रही है बदलाव उस पार्टी के पक्ष में जो भ्रष्टाचार रहित समाज को व्यवस्था दे सके। तो ये दोनों तो नया प्रयोग होने जा रहा है, हम भाजपा को भी देख चुके हैं, माननीय अटल जी के कार्यकाल के अंदर 370 धारा, अखंड भारत, गो हत्या बंद, सबको दे दी तिलांजलि और सहयोग धर्म निभाने लगे, वो आज भी निभाएंगे। अकेले दम पे भाजपा नहीं आ सकती, ना आने जा रही है, एक बड़ी पार्टी के तौर पर बढ़ रही है। वो तो वाजपेयी जी कहते थे कि ये मजबूरी है, मजबूरी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है, सरकार चलाने के लिए, यही मैं देश चलाने के लिए कह रहे हैं, दूसरे की बात को समझना पड़ेगा। उनके हाथों ब्लैक मिलेंगे, शिकार फिर होंगे, इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा, और मैं जनता हूँ, 50 साल तक ठगे जाते रहे, फिर ठगे जाएंगे। ये हमारी, आप किन को देना चाह रहे हैं? नया बदलाव लाना चाहता हूँ मैं, झाड़ू पार्टी को, झाड़ू पार्टी, अब झाड़ू पार्टी को मैं हूँ, मैं
मैं पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं हूँ सिर्फ जनता, जनता है। मुझे तो राजेश जी ने बोला कि जो टेलीविजन वाले आ रहे हैं आप आ जाओ, मैं आ गया। झाड़ू पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये वो डिफेंस देगा जी, हम नहीं देंगे, हम उसके अंदर के मामलों का कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं लगो, मैं तो पब्लिक हूँ, बदलाव चाहती हूँ। कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा है। हाँ होगा, हो सकता है। तो फिर आप झाड़ू पार्टी नहीं, हम तो अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव लाना चाहते हैं। वो पार्टी परीक्षित नहीं है, उसको हम मौका देना चाहते हैं। आपने तो दिया मौका, अब देंगे। 49 दिन तो दिया मौका, अब पता है आपको कैसा मौका दिया और कैसा लिया। हमें तो जबरदस्ती बिठा दिया गया, जबरदस्ती बिठा दिया गया। मैं जनता हूँ, उसको मेरे दृष्टिकोण में नहीं। आपको सरकार चलाने के लिए समर्थन दिया, 6 महीने तक आप गिरा नहीं सकते थे, आप खुद छोड़ करके आए ना, ये भूमिका क्यों बनी? अब ये गिराने वाले जाने, इसने आपको समर्थन, मैंने दिया। आपको बताया, मैं किसी आपको समर्थन दिया। मुझको क्यों दिया आपने? कहा मैंने कहा मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दूंगा। नेता से क्यों नहीं पूछते? मैं, मेरी पार्टी नहीं है, मैं जनता हूँ। आपकी समझ में आ रही बात? आप वोट कर रहे हैं, वोट देंगे, मेरी पार्टी नहीं है। वोट करते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं आप? नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। फिर भी वोट करेंगे बिल्कुल। चलिए, एक भ्रष्टाचार पे नहीं, कोई नए लोग बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए वो कह रहे थे शुक्ला जी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हमने देख लिया, आम आदमी पार्टी को हम समर्थन करेंगे। आप आगामी हम जो है लोकसभा के लिए वोट डालने जा रहे हैं, हम उसमें अपने सांसद चुनेंगे। यहाँ पर मैटर ये नहीं है, हम कांग्रेस को हमें वोट देनी है, मोदी को लाना है या राहुल गांधी को लाना है या केजरीवाल को लाना है। प्रधानमंत्री की गद्दी पे हर एक भारतवासी का हक है जो देश की सेवा करना चाहता है, प्रॉपर चैनल से चलता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हम किसी एक पार्टी से बंदे नहीं है। एक पार्टी, एक विधायक या एक सांसद जिसे एक पार्टी टिकट भी देती है उसे सांसद में और विधानसभा में भेजती है, मंत्री बनाती है, 15-15 साल मंत्री पद पे रखती है। जब वो अपनी पार्टी का सगा नहीं हो पाया तो हम एक आम जनता से वो लोग क्यों उम्मीद करते हैं कि हम किसी एक पार्टी का पल्लू पकड़ के पूरे जीवन चले? बिल्कुल ठीक। हमें जब किसी भी व्यक्ति को चुनने जाना है, चाहे विधानसभा में चाहे संसद में, अपने विवेक का, इस्तेमाल करते हुए, चाहे जो भी कैंडिडेट बेहतर खड़ा हो, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, उसे चुनना चाहिए, जिससे कि जब अच्छी नीयत वाले लोग संसद और विधानसभा में पहुंचेंगे तो वो वहां गुटबाजी की राजनीति से शायद बचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने बहुत ही बेहतर नोट पे खत्म किया इस शो को। 10 अप्रैल को सहादरा में मतदान होने हैं, और उस दिन जैसा कि अभी एक सज्जन ने कहा कि हम देश की तकदीर बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे लोग को चुन करके हम बनाए जो देश को मजबूत बनाए। हम किसी पार्टी, हम किसी नेता के पक्ष में नहीं है, हम उस व्यक्ति के पक्ष में हैं जो देश को मजबूती से, ईमानदारी से आगे बढ़ाए और आगे चलाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्पायर के लिए आशुतोष पाठक सहादरा से।